किसी देश के प्रवाह बेसिन का अध्ययन वहाँ के वर्षा जल संसाधन का मूल्यांकन है और उस प्रवाह बेसिन का प्रबंधन जिससे उस क्षेत्र का सम्यक विकास होता है आवश्यक होता है। आइए हम भारत में प्रवाह बेसिन के महत्व और उसके प्रकारों को देखते हैं। विशेष रूप से प्रवाह बेसिन के अध्ययन में प्रवाह रेखा, प्रवाह जाल, प्रवाह प्रतिरूप, प्रवाह तंत्र और प्रवाह बेसिन या प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक परिचय के लिए यह मॉडल आवश्यक है जिसमें कि सबसे पहले जब वर्षा का जल समतल सतह पर प्रवाहित होता है तो उसको सीट फ्लो या चादर प्रवाह कहा जाता है और जब तक वह समतल सतह पर प्रवाहित होता है उसको ओवरलैंड फ्लो सतही प्रवाह कहते हैं, या जहाँ से वह जल प्रारंभ होता है जिस ऊंचाई से शीर्ष से और जब तक नली के शीर्ष में नहीं आता इस दूरी को लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो सतही प्रवाह की दूरी कहा जाता है। आप इस मॉडल में किनारे एक रेखा देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है जल विभाजक, वाटर डिवाइड या वाटर पार्टिंग। यह एक ऊंची सी रीढ़ सदृश स्थलाकृति होती है जिस पर वर्षा का जल गिरने के पश्चात या तो इस साइड में या विपरीत साइड में प्रवाहित होता है। इस तरह से यह वाटर को वर्षा के जल को डिवाइड करता है, वाटर डिवाइड या वाटर पार्टिंग कहलाता है। जब सतही प्रवाह अधिक ढाल पाता है तो वह तीव्र लंबवत कटाव कर रिल का निर्माण करता है। छोटी छोटी नलिकाओं को जो कुछ गहरी होती हैं रिल कहलाती हैं। जब दो रिल आपस में मिल जाती हैं तो उनको गली कहा जाता है और जब दो गली आपस में मिल जाती हैं तो उनको नाला या रिवुलेट कहते हैं और जब दो या अधिक नाले आपस में मिल जाते हैं तो उनको नदी कहा जाता है। इस तरह से क्रमशः रिल, गली, रिवुलेट, नाला और नदी की गहराई चौड़ाई बढ़ती जाती है जिससे क्रमशः जल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस जल विभाजक से घिरे इस समूचे क्षेत्र को प्रवाह क्षेत्र कहते हैं, ड्रेनेज एरिया कहते हैं। इसी को कैचमेंट एरिया, प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी ने अपनी सहायक नदियों के द्वारा इस ऊंचे जल विभाजक से घिरे हुए क्षेत्र के अंदर के समूचे जल को कैच कर लिया, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कैचमेंट एरिया, प्रवाह क्षेत्र कहते हैं और इसको वाटर शेड भी कहा जाता है, जल क्षेत्र, और इसी को हिंदी में पनधारा भी कहा जाता है। हम लोग ड्रेनेज बेसिन की परिभाषा सीखा और ड्रेनेज बेसिन का अध्ययन एक अलग वीडियो में भारतवर्ष में कर चुके हैं जिसमें कि भारतवर्ष में ड्रेनेज बेसिन को क्षेत्रफल के आधार पर बृहद, मध्यम और लघु तीन स्तरों में बांटा गया है। अब इस ड्रेनेज बेसिन में ड्रेनेज लाइन, एक रेखा को ड्रेनेज लाइन कहते हैं। जब एक से अधिक रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो उनको ड्रेनेज नेट कहा जाता है। लेकिन ड्रेनेज नेट का एक स्वरूप होता है जो दृश्य होता है, जो दिखाई पड़ता है। यदि उसकी शाखाएं और उपशाखाएं वृक्ष जैसी दिख रहे हैं, पेड़ जैसी, तो उसको कहा जाता है डेंड्रिटिक नेट। इस तरह से अधिक प्रवाह रेखाओं के मिलने को ड्रेनेज नेट कहा जाता है। यह ड्रेनेज नेट कई स्वरूपों में होता है। इसकी शाखाएं और उपशाखाएं कई तरह से दिखती हैं। कभी कभी यह वृक्ष सदृश दिखता है जिसको वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है और कभी कभी इसमें प्रवाह रेखाएं समानांतर रेखाओं के स्वरूप में दिखती हैं जिसको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। इस तरह से
यह रहा ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज नेट और ड्रेनेज पैटर्न। इसी में एक शब्द और सीखना है, जैसे भारत की इस छोटे मानचित्र में यदि दृष्टि डालें तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में। इस बड़े मानचित्र पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेर, कावेरी, ये सब नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरने के फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल खाड़ी प्रवाह तंत्र कहा जाता है। इसके विपरीत भारत की पश्चिम बाही नदियाँ जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सारावती, नेत्रावती, पेरियार और अन्य छोटी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसके फलस्वरूप इन्हें अरब सागरी प्रवाह तंत्र कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं ये चैप्टर ड्रेनेज लाइन। ड्रेनेज लाइन का एक अलग बृहद भारत का मानचित्र बनाकर हम लोग उसमें विभिन्न प्रवाह रेखाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी का रेखीय अध्ययन किया जाएगा कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, किन राज्यों से प्रवाहित होती हुई और कहाँ पर अपना जल उड़ेल रही हैं। लेकिन हम लोग ड्रेनेज नेट भी पढ़ेंगे कि किस नदी की सहायक कितनी नदियाँ हैं और उसके बाद उसका बेसिन भी डिमार्केट करेंगे, शेप आएगा और उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा, जिसका अध्ययन हम लोग अलग वीडियो में किए और इसी तरह से उसी को कैचमेंट एरिया भी कहा जाएगा। लेकिन आज हम लोग इस बोर्ड में ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम का विशेष अध्ययन करते हैं। जैसा कि पैटर्न की परिभाषा हम लोग देखे हैं कि नदियों के रेखा जाल द्वारा बनाया गया प्रतिरूप या जो उसका दृश्य स्वरूप होता है, और सिस्टम भी हम लोग देखे कि कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं और कुछ नदियाँ अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारतवर्ष में नदियों को दो वर्ग में रखा गया है। एक है इक्जोरिक या बहिर्वर्ती, दूसरा है इंडोरिक या अंतर्वर्ती। बहिर्वर्ती नदियाँ निश्चित रूप से भारत के किसी भूभाग से निकलती हैं, वह चाहे ग्लेशियर से या वर्षा पूरित बिंदु से, लेकिन वो गिरती हैं महासागर या समुद्र में। इनको वाह या बहिर्वर्ती नदियाँ कहा जाता है। इनको दो वर्गों में रखा जाता है। नंबर एक, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सारावती, नेत्रावती, पेरियार इत्यादि हैं। इसके विपरीत बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार इत्यादि अनेक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इस तरह से यदि आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रवाह तंत्र पर एक निबंध लिखी या टिप्पणी, तो निश्चित रूप से आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का विवरण और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का विवरण लिखेंगे। अब दूसरा स्वरूप है नदियों का इंडोरिक, जो इंडोर गेम खेलती हैं अर्थात आंतरिक होती हैं, और वह लैंड के ही किसी झील में या निम्न भूभाग में सूख जाती हैं। ये इनलैंड आंतरिक या इंटरनल ड्रेनेज आंतरिक प्रवाह तंत्र का विकास करती हैं। जैसे विभिन्न नदियां हैं जो कि सांभर, कुचमन, डेगना, इन सब राजस्थान की झीलों में सूख जाती हैं, क्योंकि यह झीलें वस्तुतः प्लाया हैं और प्लाया झील के चारों तरफ का स्थल भूभाग ऊंचा होता है, जिसके वर्षा का जल अंतर्मुखी होता है, झील में ही सूख जाता है। इसी तरह से
लूनी नदी भी समुद्र में नहीं गिरती है, यह रन ऑफ कच्छ में सूख जाती है। और रन ऑफ कच्छ में सूखने वाली रापर, बनास इत्यादि छोटी छोटी नदियां हैं। इसी तरह से चिल्का झील में भी दया और भार्गवी दो नदियां आकर सूख जाती हैं या जल उड़ेल देती हैं, वह समुद्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिरती हैं। इसी तरह से इस प्रायद्वीपीय पठार के अनेक निम्न भूभाग ऐसे हैं जहां पर वर्षा का जल केंद्राभिसारी प्रवाह प्रणाली विकसित कर और इंडोरिक ड्रेनेज सिस्टम का विकास करता है। हम एक टर्म एग्जोटिक को डिस्कस करते हैं। एग्जोटिक का मतलब होता है ऐसी नदियां जो निकलती तो हैं वर्षा पूरी क्षेत्र से, लेकिन वह प्रवाहित होती हैं अर्ध शुष्क या शुष्क भूभाग से जहां वर्षा होती नहीं या बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास बीएल झील से निकलती है, जहां पर जल प्राप्ति का एकमात्र है वर्षा का जल और विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे पर्याप्त पर्वतीय वर्षा होती है। किंतु यह गोदावरी नदी ढाल के कारण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है और इसके मार्ग में अर्धशुष्क क्षेत्र आता है, वृष्ट छाया क्षेत्र आता है जहां वर्षा अत्यधिक कम होती है, 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास। इसलिए ऐसी नदी जो निकलती तो है पर्याप्त वर्षा के क्षेत्र से, प्रवाहित होती है कम वर्षा के क्षेत्र से, इस प्रकार की नदी को एग्जोटिक नदी कहा जाता है। ऐसी नदियाँ विश्व में अनेक हैं, जिसमें से यूएसए में कोलोराडो नदी जो पर्याप्त वर्षा के क्षेत्र से निकलती है लेकिन कोलोराडो के अर्धशुष्क क्षेत्र से प्रवाहित होती है, वह भी एग्जोटिक नदी का ही एक उदाहरण है। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को समझने के बाद आइए हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब कि जब एक से अधिक प्रवाह रेखाएं एक स्वरूप का निर्माण करती हैं तो उसको ड्रेनेज पैटर्न प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। और भारत का उच्चावच और इसकी संरचना विविध प्रकार की है, इसका ढाल भी विभिन्न दिशाओं में है। इस तरह से संरचना, उच्चावच और ढाल तीनों ने मिलकर भारत में प्रवाह प्रतिरूप की विषमता प्रस्तुत किया है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रवाह प्रतिरूप हैं। पहला है रेडियल। रेडियल का अर्थ अरी। अरी का मतलब कि जब नदियाँ किसी एक ऊंचे क्षेत्र से चारों दिशाओं में प्रवाहित हों तो उसको रेडियल अरी कहते हैं। यह स्थलाकृति द्वारा नियंत्रित प्रवाह प्रतिरूप होता है। इसके उदाहरण में अमरकंटक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस ऊंची चोटी पर वर्षा का जल जो मानसून से प्राप्त होता है चारों दिशाओं में प्रवाहित होता है, लेकिन विशेष रूप से उत्तर में सोन, पश्चिम में नर्मदा और दक्षिण में महानदी की सहायक हसदो प्रवाहित होती हैं। इस तरह से यदि अमरकंटक को देखें तो यहाँ पर अरी या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हुआ है। लेकिन इसी तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अरी प्रतिरूप है जहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जैसे अरावली के दक्षिण में माउंट आबू पर भी इस प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप है। इसी तरह से नीलगिरी पर, अनईमुदी पर और पश्चिमी घाट पर्वत के विभिन्न ऊंची ऊंची चोटियों पर अरी प्रवाह प्रतिरूप मिलता है। अरी प्रवाह प्रतिरूप असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों पर भी मिलता है, यद्यपि वह अपक्षयित अपर्दित होकर मुनाडनाक का रूप ले ली हैं, किंतु पर्याप्त दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा के कारण वहाँ पर इस तरह का प्रवाह प्रतिरूप विकसित हुआ है। दूसरा है एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती प्रवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती प्रवाह प्रतिरूप भारतवर्ष में हिमालय क्षेत्र में मिलता है, जिसमें कि प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज, कोसी और ब्रह्मपुत्र हैं।
यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के पास राकाश ताल के आसपास से निकलती हैं, जहाँ पर यदि देखें तो अरी प्रवाह प्रतिरूप है। किंतु यद्यपि वह नदियाँ भारत में आती हैं, लेकिन वह स्रोत भारत में नहीं है अपितु चीन में है। और जब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्राचीन भौगर्भिक काल में प्रवाहित हो रही थीं और तिथिस भूसन्नत से हिमालय की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो उनका मार्ग था। और जब भारतीय प्लेट के उत्तर दबाव से तिथिस भूसन्नत से बृहद हिमालय की उत्पत्ति होने लगी, तब बृहद हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठा। और जब तिब्बत पठार के दक्षिणी कगार के सहारे कुछ ऊंचा हुआ, तब यह तीनों नदियाँ उस ऊंचे उठने वाले बृहद हिमालय को काटना शुरू कर दी। हिमालय उठता गया, नदियाँ काटती गई और नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला अपितु पूर्व मार्ग रखे रहा, इसलिए उनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। और इन तीनों पूर्ववर्ती नदियों ने ग्रेटर हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण किया, जैसे सिंधु नदी ने सिंधु गार्ज, सतलज नदी ने सतलज गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी ने कोरबा गार्ज का निर्माण किया। और यह तीनों नदियाँ ग्रेटर हिमालय को भी काटी, मिडिल हिमालय को भी काटी और शिवालिक हिमालय को भी काटी। इसलिए तीनों को काटने के फलस्वरूप यह प्रथम स्तर की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। लेकिन जब ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय पर ऊंचाई के फलस्वरूप ग्लेशियर्स का विकास हुआ, तब ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों ने मिडिल हिमालय को और शिवालिक हिमालय को काटा, जैसे यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता इत्यादि। इसीलिए यहाँ पर कोसी को भी एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती रखा गया है, यद्यपि यह द्वितीय क्रम की पूर्ववर्ती है, क्योंकि यह ग्रेटर हिमालय से ही निकलती है, उसको काटकर गार्ज नहीं बनाई है। इस तरह से मिडिल हिमालय से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो मिडिल को नहीं काट पाती हैं, किंतु शिवालिक को काटती हैं। इसलिए शिवालिक के लिए मिडिल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी पूर्ववर्ती हैं। इस प्रकार भारत में हिमालय क्षेत्र में ही पूर्ववर्ती नदियों का विकास हुआ है और सभी पूर्ववर्ती नदियाँ निश्चित रूप से गार्ज बनाएंगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गार्ज बनाने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती ही होंगी, जैसे नर्मदा गार्ज बनाती है लेकिन पूर्ववर्ती नहीं है। इस तरह से पूर्ववर्ती प्रवाह प्रतिरूप का विकास भारत में हिमालय पर हुआ है। यदि किसी विद्यार्थी को पूर्ववर्ती प्रवाह प्रतिरूप पर शंका हो और लिखे कि भारत की पूरब बहने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती प्रवाह प्रतिरूप बनाती हैं, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वह इसका मतलब कन्फ्यूज्ड है। यह पूर्ववाही नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट पश्चिम से पूरब बहने वाली नदियों को पूर्ववर्ती कहेगा और पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियों जैसे नर्मदा, ताप्ती, शारावती, नेत्रावती को पश्चिमवर्ती कहेगा, तो यह एक भ्रम है। पूर्ववर्ती नदियाँ निश्चित रूप से हिमालय पर अपना प्रवाह प्रतिरूप विकसित की हैं। अब हम देखते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, समानांतर प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में विकास हुआ है। यदि आप अपर, मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में नदियों के प्रवाह प्रतिरूप या प्रवाह रेखा जाल पर सम्यक दृष्टि डालें, तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ पर यमुना और गंगा नदी पर्याप्त दूरी तक समानांतर बहती है, ऐसे ही रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक और कोसी एक दूसरे के समानांतर पर्याप्त दूरी तक बहती हैं, इसलिए इनको समानांतर प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जिसका कारण है कि विशेष रूप से मध्य गंगा मैदान और निचले गंगा मैदान की संरचना और उसका ढाल लगभग समरूप है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में समूची दुनिया में मैदानी भागों में
समानांतर प्रवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। अगला है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें नदियां और उनकी शाखाएं और उपशाखाएं ट्रिब्यूटरीज वृक्ष सदृश प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं, जैसे सिंधु, गंगा और गोदावरी। सिंधु नदी की मुख्य धारा या घाटी को आप देख रहे हैं, यह ट्रंक स्ट्रीम है, लेकिन इसमें अनेक नदियां, जिसे उत्तर से सियोक, नुब्रा और दक्षिण से भी अनेक नदियां आकर मिलती हैं, इस प्रकार से एक वृक्ष सदृश पैटर्न का निर्माण करती हैं। इसी तरह से गंगा नदी की मुख्य धारा के बाएं तरफ से मिलने वाली अनेक नदियां, जैसे काली, घाघरा, गंडक, कोसी और दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां यमुना, जिसकी सहायक चंबल, बेतवा, केन और गंगा की सहायक सोन आकर मिलती हैं। इस प्रकार से यह भी एक बड़े वृक्ष सदृश प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। यही गोदावरी के साथ है। गोदावरी की मुख्य धारा नासिक के पास से निकलकर और समुद्र में प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी कुछ वामवर्ती सहायक नदियां हैं जो उत्तर से आकर इसमें मिल रही हैं, और कुछ दक्षिणवर्ती सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से आकर इसमें मिल रही हैं। इस प्रकार से यह तीन नदियां हैं, सिंधु, गंगा और विशेष रूप से गोदावरी, जो वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अगला है इंटरमिटेंट रिवर्स ऑफ द भाभर वेल्ट। इंटरमिटेंट माने आंतरिक नदी प्रवाह प्रतिरूप, विशेष रूप से यह भाभर क्षेत्र में मिलती हैं। यहाँ पर नेपाल के दक्षिण में और विशेष रूप से उत्तराखंड के दक्षिण में, जहाँ पर नदियाँ बड़े बड़े बोल्डर्स या भाभर या अलुवियल फाइन और कोन का निक्षेप की हैं, तो हिमालय से आने वाली छोटी छोटी नदियाँ जिसमें जल की मात्रा कम होती है, वहाँ भाभर क्षेत्र में अंतरायिक हो जाती है, अर्थात उसका जल बड़े बड़े पत्थरों और बोल्डर के नीचे से होकर तराई क्षेत्र में निकल आता है। ऐसी नदियों को इंटरमिटेंट अंतरायिक नदी कहते हैं, जो छोटी छोटी होती हैं और समूचे भाभर क्षेत्र में मिलती हैं। अगला प्रवाह प्रतिरूप है इंडोरिक। इंडोरिक का अर्थ होता है आंतरिक, जैसे लूनी, जिसकी चर्चा हम लोग अभी यहाँ पर कर चुके थे, जैसे सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ इंडोरिक हैं। लूनी नदी भी रन ऑफ कच्छ में सूख जाती है, और चिल्का झील में गिरने वाली दया और भार्गवी नदियाँ भी इंडोरिक हैं, जो अंतस्थल भाग में सूख जाती हैं, उनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता। और इसके अंतर्गत हम लोग सरस्वती नदी को भी रख सकते हैं, जो अब लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन उसमें वर्षा का जल राजस्थान की तलवारा झील में संग्रहित होकर और सूख जाता है, इसलिए इसको भी इंडोरिक नदी के श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर कैप्चर, सरिता अपहरण या रिवर पायरेसी। इसमें असम की अदवा नदी और राजस्थान की घग्घर नदी है। यहाँ पर हरियाणा में अंबाला के पास से शिवालिक पहाड़ियों से मारकंडा और घग्घर नदियाँ निकलती हैं, जिनको माना जाता है कि पूर्व में यह इंडोब्रह्म नदी थी और बाद में यही सरस्वती हो गई। मारकंडा का जल आज भी प्रवाहित होकर और सरस्वती चैनल के ऊपर से प्रवाहित होकर राजस्थान की तलवारा झील में सूख जाता है। यह भी सरिता अपहरण का एक उदाहरण है। अगला प्रवाह प्रतिरूप है चैनल मूवमेंट प्रवाह, सरिता प्रवाह या गतिकी, जिसके उदाहरण में कोसी, गंडक और घाघरा हैं। और नदियां पठार पर अपना मार्ग अधिक नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि पठार की चट्टानें कड़ी होती हैं और वह लगभग अपने बेस लेवल पर हैं। हिमालय में भी नदियां तेज ढाल के कारण लंबवत कटाव करेंगी, इसलिए सरिता स्थानांतरण का उदाहरण केवल
गंगा के मैदान में है और गंगा के मैदान में विशेष रूप से लोअर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन में है। कोसी इंडिया में अपना मार्ग सबसे अधिक बदलती है, जैसे ह्वांगहो चीन में जिसे चीन का सारो दुख कहा जाता है, उसी तरह से कोसी को बिहार का सारो कहा जाता है, दुख कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी पिछले वर्षों में पश्चिम की तरफ अपना रास्ता बदली है, जिसके मुख्य दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह क्षेत्र विवर्तनिकी दृष्टि से संवेदनशील है और यहाँ पर एवरेस्ट से लेकर कोसी मार्ग होते हुए मालदा गैप अंडमान निकोबार के सहारे धरती धंस रही है, जिसके कारण विवर्तनिकी हैं, यहाँ पर डाउन वार्पिंग हो रही है, इसलिए यह रास्ता बदल रही है। लेकिन दूसरा एक बाह्य कारण है कि गंगा नदी की घाटी में सिल्टिंग बहुत तेज हो रही है, इसलिए गंगा नदी में कोसी जहाँ पर गंगा से मिलती है उस जगह पर यदि गंगा का जल स्तर और विशेष रूप से मृदा स्तर निक्षेपण स्तर अधिक हो जाएगा तो कोसी नदी को उस स्थान पर मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए वह अपना मिलन स्थल चेंज करने के लिए रास्ता पश्चिम की तरफ कर ले रही है। और कोसी के साथ ही साथ यहाँ पर घाघरा और अन्य नदियाँ भी हैं जो रास्ता बदलती हैं। इनके रास्ता बदलने का कारण मुख्य नदी में सिल्टेशन और इन नदियों की घाटियों में भी सिल्टेशन या अवसादन है। इस तरह से चैनल मूवमेंट का प्रतिरूप यहीं लोअर और मिडिल गंगा प्लेन में अधिक मिलता है। अगला है सेंट्रीपिटल केंद्राभिसारी प्रवाह प्रतिरूप। विशेष रूप से केंद्राभिसारी में सांभर और चिल्का झील की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें चारों तरफ ऊंचा भाग होता है जिससे वर्षा का जल केंद्र की तरफ झीलों में एकत्रित हो जाता है, जिसके उदाहरण में सांभर झील और चिल्का झील है। चिल्का झील में चर्चा किए थे कि दया और भार्गवी ये दो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से मानसूनी बरसात के समय में इनमें बाढ़ आती है और तबाही का कारण बन नेशनल न्यूज में आ जाती हैं। अगला है बारवेड चैनल पैटर्न। विशेष रूप से असम के ब्रह्मपुत्र मैदान में मिलती हैं। बारवेड का अर्थ होता है गुम्फित। जब नदी किसी चौड़े निक्षेप जनित मैदान में अपनी घाटी का विकास करती हैं तो बाढ़ के समय तो पूरी घाटी फुल वैली या फुल बैंक पानी प्रवाहित होता है, लेकिन लीन पीरियड में जब जल की कमी होती है तो उसी चौड़ी घाटी में नदियां कई शाखाएं विकसित करती हैं। शाखाएं और उपशाखाएं, शाखाओं और उपशाखाओं के बीच में निक्षेप होता है जिसको रिफिल कहा जाता है, और वह नदियां कुछ आगे जाकर पुनः आपस में मिल जाती हैं। इस तरह से सरिताओं के मिलन और बिछुड़न के इस प्रतिरूप को बारवेड प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रकार का भूदृश्य मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में गंगा नदी की घाटी में भी दिखता है। जैसे यदि प्रयागराज में आप इस प्रकार के प्रतिरूप को देखना चाहें तो जब जल की कमी हो तो यह अस्पष्ट रूप से दिखता है। इस तरह से बारवेड पैटर्न का क्षेत्र यही है। अगला है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आयताकार प्रवाह प्रतिरूप, जिसका एक चित्र यहाँ आपको दिख रहा होगा। नदियाँ एक दूसरे से आपस में मिलती हैं लेकिन वह एक आयत का स्वरूप बनाते हुए, और विशेष बात है कि इसमें नदियाँ विशेष रूप से 90 डिग्री एंगल पर मिलती हैं। जैसे इस उदाहरण में देखें तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण है, सामान्य ढाल, और उसी सामान्य ढाल के अनुरूप यह एक नदी बह रही है जिसको कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती नदी कहा जाता है। लेकिन इस कॉन्सिक्वेंट नदी पर एक नदी यह आ रही है सहायक और एक नदी यह आ रही है, इन दोनों नदियों को सबसीक्वेंट नदी कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि मुख्य ढाल तो उत्तर से दक्षिण है, पूरब से पश्चिम क्यों आ रही हैं, पश्चिम से पूरब क्यों जा रही हैं। इसका उत्तर है कि यहाँ पर यह संरचना द्वारा नियंत्रित है
अर्थात यहाँ की संरचना में इस तरह से क्रैक्स और फॉल्ट हैं 90 डिग्री पर, जिसमें मुलायम चट्टानों वाले संरचना वाले इस फॉल्ट के सहारे नदी अपनी धारा को या घाटी को विकसित कर लेती है। अब कॉन्सिक्वेंट के बाद सबसीक्वेंट और सबसीक्वेंट में भी यदि क्रैक्स डेवलप हैं और इसका जनरल स्लोप भी उत्तर से दक्षिण है, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी रिसीक्वेंट रिवर। इसका मतलब रिसीक्वेंट नदी मुख्य रूप से वहाँ के सामान्य ढाल के अनुरूप ही प्रवाहित होती है जैसे कॉन्सिक्वेंट। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट क्षेत्र में देखें तो यहाँ है एक अपसीक्वेंट रिवर जो मिलती है सबसीक्वेंट रिवर में, और यह भी 90 डिग्री मुड़ रही है। इसका विकास भी फॉल्ट के सहारे है और यहाँ भी नरम या मुलायम चट्टाने हैं। इसका मतलब यह पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आयताकार प्रवाह प्रतिरूप ढाल संरचना और उसके फॉल्ट या क्रैक्स के द्वारा नियंत्रित है। इस प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप भारत में छोटा नागपुर पठार पर विशेष रूप से रांची में कनहर और छोटी छोटी नदियों ने विकसित किया है। लेकिन यह आयताकार प्रवाह प्रतिरूप तेलंगाना प्लेटो और मैसूर प्लेटो पर भी दिखाई पड़ता है। यह महाराष्ट्र या लावा क्षेत्र में नहीं विकसित होगा। इस तरह से यह रहा आयताकार प्रतिरूप, और हम लोगों ने भारतवर्ष में विभिन्न प्रवाह प्रतिरूप रेडियल से लेकर और रेक्टेंगुलर तक देखा, जिसकी डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल और उसका कारण का अध्ययन किया। इस बोर्ड में आपको दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि भारतवर्ष में प्रवाह तंत्र की व्याख्या कीजिए, तो आपको पहले प्रवाह तंत्र की परिभाषा बताना होगा, फिर उसको दो भागों में बांटकर बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर के प्रवाह तंत्र का विस्तृत विवरण देना होगा। उन नदियों का उत्पत्ति से लेकर मुहाने तक और उन पर उनके ड्रेनेज बेसिन और उनकी अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा। इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें सबसे पहले प्रवाह रेखा जाल और प्रतिरूप की परिभाषा बताने के पश्चात फिर इन प्रवाह प्रतिरूपों का विश्लेषण उदाहरण के साथ करना होगा। लेकिन इसी बोर्ड में तीसरा प्रश्न भी आपको मिल गया कि प्रवाह बेसिन, प्रवाह बेसिन की परिभाषा बताने के बाद इंडिया को अलग अलग बेसिन में बांटना होगा, मेजर मीडियम माइनर, जिसको हम लोग अलग बोर्ड और वीडियो में कर चुके हैं। इस तरह से यह जानकारी आपके लिए तीन प्रश्नों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। प्लस यदि आपको ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप इस पर बनने वाले बांधों, उनसे उत्पन्न समस्याओं और ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट जो कि इंडिया में ज्योग्राफी में अप्लाइड होगा, और कैचमेंट एरिया वाटर शेड मैनेजमेंट और विशेष रूप से कल्चरेबल कमांड एरिया या कृषित कमांड क्षेत्र जिसमें नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से दे पाएंगे।